अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है रमज़ान पोइट। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह हमने इससे कबल भी जो है वो प्रोग्राम्स किए हैं और उन्होंने कुछ पेशेंट गोयाँ भी की थी, किस हवाले से इन्होंने बातचीत भी की थी, आज भी मैं मुतअद्दिद क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इमरान खान की दौरे हुकूमत के हवाले से क्वेश्चंस हैं, फिर दजाली फितने के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। रमज़ान पोइट साहब, सबसे पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पीर पंजर सरकार रूहानी पेशवा, वो अपनी पेशन गोइयों की वजह से बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक पेशन गोई ये की है कि जल्द ही इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस टाइम एक शेर से इसको शुरुआत कर लेते हैं कि दुनिया को हर फिर मार का आए रो बदन पेश। ये शेर मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसी से शुरू करते हैं क्योंकि सवाल इससे रिलेटेड है कि दुनिया को हर फिर मार का आए रो बदन पेश, तहजीब ने अपने दिंदू को उबारा, अल्लाह को हबावर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को है यूरोप की मशीनों का सहारा। तो हमारे जितने भी रूहानी पेशवा हैं इस टाइम, पीर पंजर सरकार और भी साइंटिस्ट बड़े दानिशवर लोग, वो सही कह रहे हैं। देखें, रूहानियत की जो एक थ्योरी है, जो एक कंसेप्ट है, मैं अब इस चीज़ को कैसे बयान करूँ, उसका एक इमेज बिल्कुल अलग होती है। जिन लोगों को अल्लाह ने रूहानियत ख्वाब के जरिए अगर कुछ रहनमाई कर दी है, तो वो बात थोड़ी मुश्किल होती है दुनिया को समझाना, वक्त लगता है। अब उनको जो रूहानियत में नज़र आ रहा है कि खान साहब को मैं खुद कितनी बार देख चुका हूँ, जा बजा मैंने बताया था कि खान साहब अपनी तरफ से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रिलीफ मिल जाए। अब उनका बयानिया अब आके आया है कि गरीब को दो चीज़ें चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। ये सबसे पहला इनका यही था, पेपर नंबर 3 में लिखा था, पेपर नंबर 3 था इनका महंगाई। तो खैर, ये सारी चीज़ें मैं इसी सारी को कहूँ कि उनका जो पेशन गोई है वो 90% मैं उसको कहता हूँ कि वो सही है। इस तरह इसको 90% सही कह सकते हैं। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि खान साहब को देखें, जो भी हमारे ऊपर अल्लाह जिसको बैठाता है, आज हम इस होल से ही नहीं बाहर आए, हम तो उसको कभी कुछ एजेंट कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसे काम लेना होता है। अगर वो अल्लाह की आजमाइश पर नहीं उतर सकता, तो फिर अल्लाह ने और भी बंदोबस्त किए होते हैं, शायद कोई और बंदा होगा। लेकिन खान साहब को अभी तक जो अभी उनकी कोशिश है, उनको साथ रूहानी ताकतें, उसमें मैं भी एक इतना सी ताकत हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो खान साहब को। मैं इतनी बड़ी बात जब मैंने वीडियो में की है, मुझे तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तनकीद भाई तनकीद हो रही है, तनकीद भाई इसलाह होता तो अफसोस ना होता। मसला यही है कि मैंने सिर्फ आज तक इंसानियत की बात की है, मैंने ये कहा है कि लोगों पूरी दुनिया पर एक जंग मुसल्लत है जिसका नाम कोरोना है, अब तो दूसरी भी आ गई है, अब उसी का रोना नहीं ख़त्म हुआ, दूसरी जंग भी मुसल्लत हो गई। खैर, वो बयानबाजी के आज तक जितने मुज़ाकरात हैं जो भी हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, उसको जंगबंदी हो गई है। तो मैं खान साहब को ये मैसेज दूंगा कि खान साहब, जंगबंदी अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपने इंसानियत को बचाया, लेकिन ये वक्त हक और बातिल आमने सामने है। ये वो वक्त है कि दुनिया पाकिस्तान को देख रही है कि पाकिस्तान ने कब करारदाद ले कर पार्लियामेंट में जाना है और इसराइल के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कंडेम करना है। आपकी यही आजमाइश है, उसके बाद दुनिया आपकी बात को तस्लीम करेगी। मैं कहता हूँ वो मुझ पे छोड़ दें, फिर अमेरिका खुद आपको अड्डे देगा कि आप इसराइल को मारो, फिर आपको अफगानिस्तान के अड्डे नहीं मांगेगा। आज आप ब्लैकमेल हो रहे हो, आपके ऊपर दूसरा फिर ये जलसे जुलूस आ रहे हैं। मैं सियासत पे बात इसलिए नहीं करूँगा, टाइम थोड़ा होता है, इनके ऊपर कभी सियासत पर पूरा एक टॉपिक होगा तो मैं सबकी शक्लें भी बताऊँगा, इनके करतूत भी बताऊँगा कि ये लोग अंदर से गलीज़ हो चुके हैं। आज गरीब के ऊपर चंद ख़ानदान, हमारे मुल्क के इदारे, हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, कोई रोल नहीं नज़र आ रहा। आज बयानबाजी तक सब कुछ हो रहा है, सस्ता भी हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। अच्छा, बेसिकली आपके कहने का मकसद है कि जो इमरान खान बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो पूरे नहीं कर पा रहे? ना, दावे नहीं कर, डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनको करवा नहीं, उनको आप नहीं कर सके खान साहब, उस दिन तक आप नहीं कर सकेंगे जिस दिन तक आपको ये समझ नहीं आई कि मेरे पास असली ताकत इस टाइम है क्या। जब आप सऊदीया से उमरा करके आ गए हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि मुझे एक रूहानी ताकत मिली है, तो वो रूहानी ताकत मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। मैं देखना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे नज़र नहीं आई। आप जितना जोर लगा लें, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके साथ दुआएं लोगों की, लेकिन आपने लोगों को जो तकवात दी हैं, जो वादे किए हैं, वो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, मतलब आप पीर पंजा सरकार की जो पेशन गोई है उसको सही, कहीं ना कहीं आप उसको सही कह रहे हैं? देखें, अरे वो रूहानी पेशवा है, मैं तो कदना सा बंदा हूँ, वो जिस चीज़ को बयान कर रहे हैं मकसद यही है कि खान को बहुत से हर तरफ से रुकावटें, खान के आस्तीनों के सामने अभी तक नहीं दूर गए, आस्तीनों के सामने उसी तरह देख रहा हूँ। मैंने एक दो की बात की थी, वो चले गए हैं, लेकिन अभी उधर ही हैं जो उनको नहीं चलने दे रहे। मसला क्या है,
मेरी किसी से जाति लड़ाई नहीं है, मैं चाहता हूँ खान साहब आए हैं, 5 साल तो पूरे होने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये तारीखी बदतरीन महंगाई होगी, आज नौजवानों का फ्यूचर तबाह हो गया है। आज तालीम को देखो, आज महंगाई पे भी बात करनी है थोड़ी सी, कि रोड पे जो लोग चलते हैं उनसे पूछें, जो आज बेरोजगार हैं उनसे पूछें, आप खान साहब आपको एक ही आपको अल्लाह की तरफ से ये समझो कि अल्लाह ये देख रहा है कि कब पाकिस्तान इस दुनिया पे जो पहली जंग है जिसको कोरोना की अदावत की आग इकबाल ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, अदावत की आग है लोगों, इसको समझो। आपको ऊपर दूसरी आज अब जाके हमारे उलमा हजरात को समझ आ रही है कि ये दज्जाली ताकतें हैं, तो दज्जाली एक वो दज्जाल आएगा जो आज दज्जाल के बारे में तो बात डिटेल से आपसे करेंगे। एक और जो पेशन गोई बड़ी चल रही थी पीरपंजे सरकार की, वो ये कहते हैं कि कोई नीली आंखों वाला शख्स है जो आएगा और जो वो है वो पूरी जो एशिया है उस पर कब्जा होगा, फिर मुसलमान जो हैं वो करेंगे, फिर आलमी जंग होगी और ये सब कुछ। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि उन वो के कौन सा नीली आंखों वाला शख्स है जिसके बारे में वो बात? देखें ये रवायात हैं, अभी कल मैं रात को सुन रहा था डॉक्टर इसरार, मैं उनका अपना आइडियल मानता हूँ, उनकी अल्लाह ने, मैं उनको सुनता था तो अल्लाह ने मुझे कर्म किया है। वो 7 रवायात बताते हैं, उसके अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम अहले बैत में से होंगे, फिर 7 रवायात हैं जो कुरान के अंदर कुरान हदीस में आ रही हैं, ठीक है, ये रवायात हैं, इसको हम रद्द नहीं कर सकते, इस रवायात पे कुछ पुरानी रवायात हैं कुछ नई रवायात हैं, लेकिन अल मुख्तसर क्या है कि दुनिया पे 14वीं सदी के बाद जो 15वीं सदी थी ना, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वक्त था, और उससे पहले ही खटक रहा है दिले यजदा में कांटे की तरह, ये वही ब्लाग था जो 2020 में इन्होंने लॉन्च करना था, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था, तोड़ना था। आज देखें वैक्सीन के ऊपर इंकशाफात आ रहे हैं, लेकिन मैं, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं कहता हूँ मैं किससे शिकवा करूँ, मेरे अंदर एक आग है, मैं कहता हूँ मुझे कोई बस में हो तो मैं अपने आप को मार दूँ, लेकिन किसी तरह इन लोगों को बात समझ आ जाए कि आप लोग गलत हैं, इस वक्त तक हमारी गवर्नमेंट गलत फैसले कर रहे हैं, आप लोग गलत फैसले कर रहे हैं। ये जो आपने वैक्सीन की बात की है इस बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से भी बड़े खदशात पाए जाते हैं, लोग कहते हैं कि शायद ये सही नहीं है, ये लगवानी नहीं है, फिर एक कुछ फेक न्यूज़ भी आ जाती है फ़ौरन से कि अगर कोई लगवाता है तो 2 साल के अंदर जो है वो उसकी मौत वाकई हो जाएगी, ये फेक न्यूज़ बताई गई थी और ये कन्फर्म हुआ था कि ये फेक थी, लेकिन वैक्सीन के हवाले से भी बड़े खदशात पाए जाते हैं। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये दुनिया को मैसेज देने वालों ने दे दिया, उसको वापस रिजेक्ट कर दिया, उसको हाइड कर दिया कि ताकि लोग इसके ऊपर, मकसद है कि ये जो आई थी खबर ये बिल्कुल सच्ची थी, मैसेज पहुंचा दिए गए। 2-3 हमारे इंटरव्यू हुए हैं, मैंने वैक्सीन के ऊपर बताया था कि ये नैनो चिप और ये वैक्सीन, ये जो लिक्विड है किसी को सींग नहीं निकलेंगे, टारगेट उसका यही है कि इंसान को इंसान नुमा जानवर बना देना, जब उसकी अपनी सलाहियतें नहीं है, मैंने कहा था कि ये 2 साल का, उसने कहा कि 2 साल से बाद जब इंसान की अपनी सलाहियतें नहीं है तो वो जिंदा भी है तो मरा हुआ है, उसको कोई थर्ड फोर्स चलाएगी एक इंसान को, हमारे अकल पे डाका मारना चाह रहा है। एक मोटी बात इसलिए करता रहता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि यहूदियों को आज तक जो मुखालफत है, जो हसद है, वो तो अदर से चलता आ रहा है, उनने हमें क्या, हमें सूट मारने थे, आज उनको हमारा ख्याल आ गया हुआ है, ये वैक्सीनें 40 साल से चल रही हैं, लेकिन ये वक्त है पाकिस्तान को इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कंडेम करना होगा, वरना नए पाकिस्तान का इमेज कोई नहीं है। मेरे तमाम पाकिस्तान के दानश्वर फिलासफर जितने भी बड़े अहले ज़र्फ अहले नज़र लोग हैं, खुदारा किसी की ज़ातियात पे ना जाएं, मेरी शक्ल पे ना जाएं, मुझे जो तनकीद करते हैं मुझे उनकी अकल नज़र आ रही है कि वो किस कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे नस्लें महफूज नहीं हैं। अच्छा आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है ये भी यहूदियों की एक साजिश है। वैक्सीन का मकसद यही था कि दुनिया को उससे पहले कोरोना से कायल करना कि लोग वैक्सीन लगाएं, और ये वो वैक्सीन है जो इंसान कर्नल कजाफी ने 20 साल मेरा ख्याल कम ओबेश कर्नल कजाफी साहब का ये बयान है, ये पेशन को ही है कि एक ऐसी वैक्सीन बनाएंगे कि इंसानों के लिए ख़तरनाक होगी, तो उसके अंदर तो मसाला ज़्यादा है जो पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए आई हुई है। मकसद यही है कि टेक्नोलॉजी हमारे अंदर जब चली गई तो हम तो वही चीज़ है, एक डिवाइस है जिसको हम मर्जी से चला सकते हैं, वो तो उसके रिमोट उसका बटन हमारे हाथ में। अच्छा आपने जैसे ये बात की कि मुसलमानों के लिए आई हुई है जो वैक्सीन, तो क्या आपको लगता है कि जो मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन उनके लिए अलग से कोई वैक्सीन बनाई गई है पूरी दुनिया की, या हर मुल्क के लिए अलग-अलग है? हर मुल्क अपने तौर पर चाह रहा है कि हम अपनी वैक्सीन बनाएँ, लेकिन ये वैक्सीन नहीं बना पा रहे। सबसे पहले तो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मैं बाबा को नहीं मानता, बेशक मुझे कोई पागल कहे कि अगर मेरे नाम आने से फ़र्क क्या पड़ता है, दुनिया पे तो इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी गई है, लेकिन ला हौला वला कुव्वता था वो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह लोगों को जिसको अल्लाह ने बचाना हो उसको वैक्सीन नहीं क्या करेगी, ये भी तो ईमान का एक तकाजा है। लेकिन हम इंसान हैं, अगर हमें नज़र गलत आ रहा है हम उस कुएँ में खुद क्यों छाल मार रहे हैं। ये वैक्सीन
अब मैं इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें पहले दे चुका हूँ, लोग फिर अक्सर कहते हैं कि इस बात को मवाद नहीं है, सिर्फ कोरोना पे आगे बात करते हैं। मेरी एक ही लड़ाई है, मैंने इवन इतना लिखा है कि मेरी अल्लाह ने ये समझे दज्जाल से लड़ाई लगाई थी बहुत पहले। मैंने कहा था लोगों चोरों को पकड़ना होगा। अब जैसे इकबाल ने कहा कि फरंग की रगे जहाँ है पंजा यूद, तो मैं लिख चुका हूँ चमन की रगे जहाँ है पंजा यूद, जहाँ पर इतनी ज़्यादा लाबी स्ट्रांग है कि इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर पूरे इसराइल इंडिया जितनी इनकी इंटेलिजेंस है जितने इनकी ये लाबीज इस पाकिस्तान के अंदर आज यहाँ पे जो जुबान बोली जा रही है मुल्क साफ़ी सारा कुछ है। मैं उसको गलत सही नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसके लिए एक साल पहले बोल चुका हूँ कि खान अच्छा हुआ जियो बंद था, अगर ना बंद होता तो आज शायद ये नक्शा भी ना होता, यहाँ पे ज़मीनें भी ख़त्म हो जाती, यहाँ पे बिल्डिंगें भी ख़त्म, ये वीरान हो जाती, इन्होंने ज़्यादा मारने थे। ये मीडिया के ज़रिए आना था, ये मैन मेड वायरस है, फैलता नहीं है, अल्लाह की सिफ़त कहती है, रूहानियत कहती है। याद रखें मेरी ज़ात पे ना जाएं, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे इस क्लिप ने जाना है तो मैं हमेशा आप लोगों को हाथ जोड़ता हूँ। मेरा यही कसूर है कि मैं आप लोगों को बचाने की बात कर रहा हूँ, मैं माशियत को बचाने की बात कर रहा हूँ। आज हमारे हुक्मरान ये खुश हैं इस गलतफहमी में कि हम ये फैसले करके लॉकडाउन करके हम मुल्क के अंदर हम कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हम माशियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ, मेरा किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, इदारों को कहता हूँ, सिक्योरिटी के इदारों को। अच्छा एक चीज़ में कि इस चीज़ के ऊपर जांच पड़ताल हो, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, इसके ऊपर डिबेट हो। आज मीडिया के ऊपर इसके ऊपर क्यों नहीं डिबेट हो रहे, ये कोरोना किसका तोहफा है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि आप क्यों घर तक महदूद हो गए आज। अच्छा एक बात मुझे, क्योंकि कोरोना जब से आया है पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होते हैं लेकिन वैसे तो नहीं होते, लोग हज़ारों की तादाद में लोग बाहर घूम रहे, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पे इख्तलाफ करूँगी, आप कहते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, वो एक लॉबी है जो यू नो वेस्ट की तरफ से आई हुई है और हम पे क्या कहते हैं कि वो हम पे मुसल्लत की गई है, लेकिन भारत का हाल भी आपके सामने है, वहाँ पे लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे मरते हैं, तो क्या वो कोरोना नहीं है, वो क्या बीमारी है जो यहाँ पे नहीं आ सकती। जब भारत के अंदर से ये खबर आई थी तो मैंने कहा था लोगों ये एक साइबर वार है, ठीक है, ऑक्सीजन छुपाई गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं छुपाई गई, यहाँ पे शॉर्टेज नहीं की गई, ये एक साइबर वार था। फिर आज वो कह गई है कि इंडिया की वो किस्म जो कोरोना के पाकिस्तान में आ गई है। मैंने कहा था ये साइबर वार है, कल ये खुद इन्होंने एम्बुलेंसें भेजी हैं, ये उनकी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, वो उनके मसाले पाड़ रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में वादे कह दिया था हमारे खैर ख्वाह नहीं हैं, हुक्मरानों अल्लाह का वास्ता है, आप इस गरीब लोगों को इनकी बच्चों के फ्यूचर के ऊपर आप लोग चंद ख़ानदान सुबह से शाम तक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ फला फला हमारे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे काबिल एहतराम है, क्या आपके पास यही रह गया है, यहाँ पे गरीब नहीं है आज रोड के ऊपर जो माई बैठी हुई है उसका क्या कसूर है, वो वहाँ पे कुछ लेके बैठी हुई कोई कुछ लेके बैठी हुई है उसका क्या कसूर है, ये इस्लामाबाद है। अल्लाह के वास्ते एक इंसानियत पे अल्लाह ने बचाना था। मैं ऐसे ख्वाब भी देख चुका हूँ कि पूरी दुनिया ये अजाब आंधी, मैं ये चीज़ बयान नहीं करता क्योंकि सनसनी खेज इस तरह लोग हैं, ये लोग खौफ फैलाता है। अल्लाह ने आप लोगों को टाइम दिया हुआ, ये हज आ रहा है, हज के नज़दीक जाके फिर देखना ये कोरोना तेज़ हो जाएगा, नई किस्म आ जाएगी, वहाँ पे लोग रुक जाएंगे, अभी लोगों को भेज रहे हैं वैक्सीन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें प्लानिंग है इस टाइम। मैं एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी छोटी सी कावश एक पैगाम देना चाहूँगा, OIC और पाकिस्तान, OIC 57 मुल्कों का वो सरबरा है, इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन का सरबरा है, OIC आज तक ये फैसला करने से कासिर है कि हमने क्या करना है, आडे हमने दिए हुए हैं, हम इसराइल को कैसे खुल के उसको कंडेम कर दें, उसको हम तस्लीम ना करें, उसको डिफ्यूज़ करें। पाकिस्तान तो वो है, पाकिस्तान ने सबसे पहले बात कर चुका हूँ, सबकी तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर है। अभी तैयब एर्दोगान वो आखिरी उम्मीद है उम्मत मुसलमान के लिए, जो जाके ईरान से और रूस की वो रियासत गैर मुस्लिम गो के वहाँ पे इतने मुसलमान नहीं है, वो आज खड़े हो गए हैं, वो ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये दो अभी तक पीछे हैं। खुदा की कसम इस पाकिस्तान तो कभी तस्लीम कर ही नहीं सकता, वो तो दूर की बात है, ये तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। इसी पाकिस्तान के पास एक हथियार है कि ये पूरी दुनिया को इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कंडेम कर सकते। अच्छा ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब बात सारी समेटने का मकसद यही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही है, दुनिया की आबादी को कम करना था, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना था, दुनिया के माशियत को तोड़ना था, एक न्यूक्लियर एक बायोलॉजिकल वार भेज के दुनिया को। देखें आज ये मीडिया के सामने आया और मीडिया पे जाएगा, और ये प्रिंट मीडिया का वो मीडिया है, वो फेक न्यूज़ है जिसने दज्जाल का रोल अदा करना था। आज आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक मैंड
सॉरी मेड मेड जो वायरस होता है मैन मेड वायरस वो फैल कैसे सकता है, उसको तो फैलाया जा सकता है, फैलाना सिर्फ अल्लाह की है। अगर वबा अल्लाह की होती तो यहाँ कुछ भी ना बचा होता, फिर बारह ना देखते, इकबाल को ले आओ, नए पाकिस्तान की जो बुनियाद है, जो नया इमेज है, जो नया तसव्वुर है, मैं कोशिश करूँगा मैं जितना हो सके मैं आपको बताऊँ कि नए पाकिस्तान का तसव्वुर क्या है। ये नया पाकिस्तान का इमरान खान नारा लगा बैठे हैं, सबसे पहले महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, इस मेरी वीडियो को किसी तरह आगे भेज दें, ये मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और मुझे मौका दिया जाए, मैं कहता हूँ मुझे लाइव मौका दिया जाए, फिर मैं एक एक चीज़ पे बात करूँ। ये जो आप कैमरे के सामने बैठे हैं, ये आपके पास इससे बड़ा कोई मौका शायद ही कोई मिलेगा आपको, कि आपको खुद चांस मिल रहा है कि जो ये मौका जरूर है, ये मौका जरूर है, लेकिन मैं अपने आप को बाउंड समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे दो चार साफी बैठे हैं, वहाँ पे लंबी एक डिबेट हो, जैसे एक पूरा घंटे का प्रोग्राम होता है, वो ऐसे ऐसे सवाल करें कि मेरे अंदर से वो चीज़ भी निकल आए जो शायद मैं ज़रा एक टीम है, मैं एक टाइम में मैं एक चीज़ बयान कर सकता हूँ, दो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कैफियत इस तरह की दज्जाल का नाम लिया था, तो दज्जाली फितने के बारे में आपने खुद भी जो पिछले प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें बताया है कि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस ये दज्जाली फितना है बेसिकली। अच्छा रमज़ानपुर साहब, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने पढ़ा भी है और हमारा ईमान भी है, हदीस से हदीसों में ये बयान किया गया कि दज्जाल एक मुजस्सिम है, खुद एक मतलब कि एक इंसान नुमा जो है वो शैतान होगा जो आएगा और उसके साथ जहन्नुम और जन्नत का एक तसव्वुर होगा। तो फिर टेक्नोलॉजी को क्यों जोड़ा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो ये पूरी दुनिया जो सिमट गई है टेक्नोलॉजी में, उसको फितना करार दिया जा रहा है, ये क्या तसव्वुर है, इसको बयान कीजिए। जिस दज्जाल की आप बात करिए, इंसान नुमा होगा, एक आंख होगी जी, ठीक है, एक इंसान आएगा, लोगों को मारेगा, जिंदा करेगा, ये भी रवायात हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज जो ताकत हमारे ऊपर काबिज हो चुकी है ना टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जब हम घर तक महदूद हो गए हैं, वो हमारे वसाइल को कंट्रोल करना चाह रही है, हमें कैद की तरफ लेके जाना चाह रही है, कल पैसे भी होंगे लोगों को चीज़ नहीं मिलेगी तो वो किधर जाएंगे लोग, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ये लोग थोड़े होंगे, पहले तो मारने थोड़े लोग होंगे, वो कहेगा जो हमें तस्लीम करेगा, तो वो बिल गेट्स को सामने रख लें इस टाइम, सबसे पूरी दुनिया को कौन दे रहा फंड, अल्लाह इसको कल ये शक्ल दे सकता है। इस टाइम पूरी दुनिया पर जो शैतानी ताकतों को प्रमोट कौन कर रहा है, यहूदी क्यों अपने आप को सुपरियॉरिटी पे बिलीव करते हैं, वो क्यों आज थर्ड टेंपल बनाना चाह रहे हैं, आज मस्जिद अक्सा को, ये बात को मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, हमारे रूहानी पेशवा ने बताया हुआ था कि 2020 से पहले फलस्तीन के ऊपर इन्हें कब्जा करना है, वहाँ पे थर्ड टेंपल है उनका एजेंडा है, मतलब है वो उनका काबा है, जैसे हमारा मकाम है कि सुलेमानी तमीर करना उनके बड़े। इस टाइम जब उन्होंने देखा कि कोरोना के अंदर हमने सफ़ें भी तोड़ दी हैं, खुदा की कसम अभी तक कोई नहीं, लेकिन कुछ उलमा बोलने शुरू हुए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईमान का सबूत दे दें। जो भी इंसान है जो मेरी वीडियो सुनेगा, किसी को बात समझ आ जाए, वो चीज़ ये चीज़ ज़रूर महसूस करे कि इस टाइम आप लोग अमन में नहीं हैं यार, घर में हैं, बाहर हैं, जो बिजनेस में है, जो बेरोज़गार है, जो रोड पर है, जो जिस स्टेज पर है, वो इंसान परेशान है, और ये जो दुनिया पर आपको एक खौफ और आरास में डाला गया है, इसी का नाम दज्जाल है, ये उसकी टेक्नोलॉजी है। मीडिया ना होता तो ये कोरोना जब बात सुन लें कि ये कोरोना मंडी में नहीं फैलता, ये अच्छा, में फैलता है, मसाले बहुत सारी हैं, मसाले बहुत सारी हैं। कहने का ये मकसद है कि ये भी दज्जाल की एक किस्म है, ये टेक्नोलॉजी दज्जाल की, देखें दुनिया पे जो टेक्नोलॉजी है ना, तो ये शैतानी ताकतें हैं, जब अगर वो अल्लाह के रसूल के या दुनिया पे जो हमारे नबी जिसके लिए कायनात बनाई गई है उससे जब अगेंस्ट जा रही है, तो वो उसको क्या क्या दर्जा देंगे आप, वो क्या चीज़ है, वो जो शैतान वही है जिसको मोहलत मिली हुई थी अर्श अज़ीम तक गया, उसने ये बातें की हैं, उलमा इस पर कोई बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक सजदे से इनकार हुआ तो अल्लाह ने उसको लानत और उसको एक मोहलत मिल गई, उसने कहा कि मैं इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ूंगा। अब ये वही बिसविसा ये वो योदी हैं, उन्होंने दुनिया पे टेक्नोलॉजी की, ये तो हमारे इकबाल ने हमें बताया हुआ, मैं अभी लोगों को बता रहा हूँ कि वो वक्त आ चुका है, आया नहीं, आ चुका है। आज आप लोग बिल्कुल दिन ब दिन हालात ठीक नहीं होंगे, मैं खान साहब के लिए मैसेज महंगाई का ये दे रहा हूँ कि महंगाई का तारीख बेहतरीन महंगाई है, इसके ऊपर कंट्रोल तब भी होगा जिस दिन तक आपने करारदाद लेके पार्लियामेंट में आके हंगामा खुद नहीं किया, अगर नहीं करेंगे तो ये फंदा आपको पड़ेगा, क्योंकि आप हाकिम वक्त हैं, आपने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज की हैं, आपने स्वाट लॉकडाउन किए हैं, सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक ही मुद्दा है मेरा कि खोल दीजिए ये कोरोना क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप के जो ये बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, और जो मैंने इनसे सवाल किए इन्होंने उसके सही जवाब दिए और आपको समझ आए होंगे। बस आप डिजिटल से फिल वक्त इतना ही, मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और डेली वसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।